हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन फिजिक्स। साथ में मैं पॉलिटी और केमिस्ट्री और कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, तो ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, तो खासतौर पर SSC CGL CHSL वगैरह में। तो उम्मीद है मैंने पिक्चर्स के थ्रू आप ये जो वीडियो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो शायद आपको बेटर लगे, अच्छा लगे ये वीडियो। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज, तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ पोल से, ठीक है, और ये इंटर करती है साउथ पोल में। तो जो पोल्स हैं वहां पर तो जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा दिखता है, बट एट द सेंटर, देखिए सेंटर पे क्या होता है, जो नॉर्थ पोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है जो बार मैग्नेट है उसके, तो और एंड पे जाकर फिर ये मिल जाती है मैग्नेट पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पैरेलल होती है। तो इंटेंसिटी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो बहुत कम होता है, इसलिए सेंटर पे अप्रॉक्स जीरो हो जाता है और एट द पोल्स ये मैक्सिमम रहता है। तो इसका आंसर होगा जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। ये कार्टून आप देख सकते हैं, इसमें एक बच्चा जो है एक बॉक्स को ढकेल रहा है, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस बॉक्स पे, तो ये बॉक्स जो है कुछ दूरी तक डिस्प्लेस होगा इस फोर्स के कारण, और चलिए डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। तो जो वर्क है वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लगाया गया और उस फोर्स से जो इतना डिस्प्लेसमेंट आया उसे बोलते हैं वर्क, वर्क डन। तो फोर्स एफ इंटू एक्स, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जितना मूव किया ये बॉक्स, तो एफ इंटू एक्स। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में लेते हैं, तो न्यूटन मीटर जो है वर्क का यूनिट हो गया, तो न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल। जूल जो है यूनिट हो जाएगा वर्क का, तो ये जूल एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, ये भी याद रखें। तो अगर वन जूल को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दैट फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इज द डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं वन जूल। और जो एनर्जी है, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो एनर्जी का भी यूनिट जो है जूल होता है। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, तो ये भी आप याद रखें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है कैंडेला। अच्छा, पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट, और पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम, TIME टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं पावर, और पावर होता है वॉट, तो जूल पर सेकेंड, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू वॉट। एंड न्यूटन तो आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, a device used for storing electrical energy is, तो जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर जो डिवाइस है कैपेसिटेंस, ओके, और कैपेसिटर जो डिवाइस है वो करता है चार्ज होल्ड या स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब कैपेसिटर होता क्या है ये देखिए, दो प्लेट्स होते हैं, मेटल के प्लेट्स हों या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म आप इस तरह से मान ले, एक हॉलो सिलेंड्रिकल के अंदर दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इस तरह से होता है, तो या फिर दो प्लेट्स हो और उनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो या इंसुलेटर इसको बोलते हैं, तो ये जो ब्लूइश पार्ट आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो अब किस तरह से काम करता है ये देखिए, आप समझ ले, और ये भी बात कि दो मेटल क्यों जरूरत होता है एक कैपेसिटर में, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो क्यों होता है दो, देखिए एक आप बॉडी मान लीजिए, ठीक है, और इसे आप एक बैटरी से जोड़ दीजिए, तो ये समझिए एक बैटरी है, और तो बैटरी है तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा हमेशा, तो ये समझिए प्लस चार्ज दे रहा है इसे, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी है, तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ जाएगा सेम पोटेंशियल का V, तो नाउ अब दोनों का पोटेंशियल V हो चुका है, ठीक है। अब हम एक और मेटल लेकर आएंगे और उसे कर देंगे ग्राउंड, ग्राउंड मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये दोनों जो पास में है, तो अब क्या होगा, अगर ये ग्राउंड हो चुका है तो इसके आगे में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दूसरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है,
क्योंकि ग्राउंड कर दिए हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ से नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के कारण जो यहाँ का पोटेंशियल था वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सपोज कर लीजिए इसका जो चार्ज है वो वी डैश हो गया, जो पोटेंशियल है, तो अब तो डिक्रीज हो गया, ये पोटेंशियल जो ऊपर का है और यहाँ पर वी पोटेंशियल है जो कि ज्यादा है। तो अब बैटरी क्या करेगी, कुछ और चार्ज भेजेगी ऊपर फिर से, ताकि इसका पोटेंशियल फिर से बराबर हो जाए, तो फिर से ये वी बन जाएगा। तो अब क्या होगा, तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी हो गई वही कहलाता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो ये फंक्शन होता है कैपेसिटर का। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो स्टोर कर रहा है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो यहाँ पर देना पड़ा, ये हो गया। और ये हुआ क्यों, क्योंकि दो मेटल यहाँ पर थे इसलिए। तो इस तरह से काम करता है। और जो यूनिट होता है वो होता है फेराड, FARAD। तो कैपेसिटेंस को सी से भी डिनोट करते हैं, और इसको जब सिंबल के रूप में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल है। और क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस। नाउ इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम विच लाइट कलर हैज लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, आपने पढ़ा है विबग्योर, VIBGYOR। तो विबग्योर होता है, जी छूट गया यहाँ पर। तो वॉयलेट जो होता है उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है, तो वी से वॉयलेट, वी से डब्ल्यू, तो ये वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। और रेड का वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा। और देखिए एक और बात, जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जो है, या इसको वेवलेंथ को आप लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये चीज आप याद रखें। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेड का होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ भी रेड का होगा, तो रेड इज द ऑप्शन। नाउ साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, साउंड वेव पूछा है, लाइट नहीं पूछा है। देखिए साउंड को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वाइब्रेशन है, ठीक है। तो हायर डेंसिटी वाली मीडियम जो होगी उसमें साउंड अच्छे से ट्रैवल कर सकेगा, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बाइंडेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें साउंड वेव अच्छे से ट्रैवल कर सकेगा। बट गैसेस में दूर दूर होते हैं तो इसमें प्रोपेगेट करना मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर होगा सॉलिड्स। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल मीडियम या मीडियम होता ही नहीं कि जो वेव्स हैं, जो साउंड जो है वो वाइब्रेशन उसका ट्रांसफर हो सके। उसी तरह अगर लाइट पूछ दिया जाए तो लाइट के लिए जो है वैक्यूम बेस्ट मीडियम होता है लाइट के लिए, क्योंकि लाइट क्या होता है, फोटॉन्स जो होते हैं, फोटोन के रास्ते में अगर कुछ आ जाए, जैसे कि अगर फोटोन ट्रैवल कर रहा है तो उसके रास्ते में अगर कुछ आएगा कोई पार्टिकल, तो उसके इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा जो उसकी रफ्तार को धीमी कर देगा। तो वैक्यूम अगर रहेगा तो वैक्यूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, और लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा सकेगा। तो हाइएस्ट होगा वैक्यूम में। नाउ अ डायनेमो इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं साइकिल पे लगा हुआ है, साइकिल के पहिए पे लगा है डायनेमो। तो डायनेमो देखिए साइकिल का चक्का घूमेगा, तो डायनेमो जो है ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जो साइकिल के चक्के के घूमने से, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और तब ये बल्ब जलता है। तो आप इस एग्जाम्पल से जरूर याद रखिएगा इस फोटो से, कि हमेशा डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद डायनेमो। नाउ डायमंड शाइंस बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ, इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर डेंसर मीडियम से आप रेयरर मीडियम पे जा रहे हैं और उस एंगल पे जहां पर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है उससे 90 डिग्री बन जाए, तो जो इमर्जेंट लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। उसके बाद का जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, जो उसके बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में यही केस होता है, इसीलिए डायमंड शाइन करता है। तो आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।